हेलो फ्रेंड्स, मैं माधुरी और माधुरी वाला किचन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है कि पितर पक्ष है और उसका हमें आज खाना बनाना है। तो आज मैं खाना बना रही हूँ पितरों लोगों के लिए। तो मैं बारा बना रही हूँ। तो ये मैंने उड़द की दाल ली हुई है और इसे मैंने रात भर भिगो दिया था और इसको मैंने मिक्सर में पीस भी लिया है दरा दरा सा। तो अब हम इसमें कुछ सामान डालेंगे। तो ये हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया हुआ है, इसको इसमें हम डाल देते हैं। और हमने छोटे स्पून से एक स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया हुआ है और इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा हम इसमें जीरा भी ऐड करेंगे और हम इसमें थोड़ा सा प्याज भी डालेंगे। तो हमने एक मीडियम साइज की प्याज ली थी, उसे हमने बारीक से काट लिया है और इसको भी इसमें हम डालेंगे और सारी चीज़ हम डाल के मिला लेते हैं। और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, तो इसमें हम नमक डाल लेते हैं और डाल के इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। तो हमने सारे मसाले और प्याज सब चीज़ डाल के हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बाड़े को डालेंगे। तो हमने ऐसे टिक्की बनाई हुई है और ऐसे टिक्की करके हम इसमें डालेंगे। तो इसी तरह करके मैं सारे टिक्की बना लेती हूँ। हाथ में चिपक रहा है तो मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा ले रही हूँ हाथों में, तो टिक्की आराम से बन जा रही है और वो चिपक भी नहीं रही है। ऐसे करके हम सारी टिक्कियाँ डाल लेते हैं। तो एक तरफ से सिक गई हैं तो मैं इसे जो है कि उलट पुलट लेती हूँ। और एक तरफ से फ्राई हो चुकी है और मैं दूसरी तरफ से भी इसे फ्राई कर लेती हूँ। और ये देखिए, मैंने गैस की फ्लेम जो है कि मीडियम की हुई है और ये बाड़े जो है कि जब तेल में जा रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छे से फूल भी जा रहे हैं। तो हमारे जो है कि बाड़े दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं और मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरह करके मैं बाकी के भी जो है कि बारह फ्राई कर लूँगी। यार देखिए, ये बाड़े बहुत ही फूले फूले हुए हैं। तो बाड़ा मैंने फ्राई कर लिया है और अब मैं पकौड़े छानने जा रही हूँ। तो देखिए, तेल बिल्कुल गर्म है और गरम गरम तेल में मैं पकौड़े को डाल रही हूँ। तो पकौड़ियाँ भी हमारे देखिए दोनों तरफ से फ्राई हो गई हैं। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में और इसी तरह करके मैं सारे पकौड़ियों को फ्राई कर लेती हूँ। तो मैं जो भी खाना बनाने वाली हूँ मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो पकौड़ियाँ मैंने सारी फ्राई कर ली है, अब मैं मीठी पकौड़ी बनाने जा रही हूँ। तो अब मैं, तेल हमारा गर्म है और इसी ही कढ़ाई में हम मीठी वाली भी पकौड़ी बनाएंगे। तो इसी तरह करके मैं सारी मीठी पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। तो एक तरफ से फ्राई हो गई है हमारी मीठी पकौड़ियाँ, इसे हम जो है कि दूसरी तरफ भी हम पलट लेते हैं इसे फ्राई होने के लिए। और देखिए ये कितनी फूली फूली सी हैं। और एक तरफ मैंने चूल्हे पे जो है कि मैं कढ़ी बना रही हूँ। अब कढ़ी की रेसिपी तो मैंने आप लोगों को दी ही, तो इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं दोनों तरफ से। तो देखिए, दोनों तरफ से हमारी मीठी पकौड़ियाँ फ्राई हो गई हैं। मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसी तरह करके मैं बाकी भी पकौड़ियों को फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए कितनी फूली फूली सी हैं। तो मीठी पकौड़ी मैंने सारी फ्राई कर ली है, अब बारी आती है पूरी की। तो हम पूरी फ्राई कर रहे हैं और इसी तरह करके हम सारी पूड़ियाँ भी फ्राई कर लेंगे। उधर मैंने गैस पे चावल रखा हुआ है। तो आज सारे खाने चढ़ेंगे तो मैंने सारे खाने बना रही हूँ। तो देखिए, एक तरफ से हमारी पूड़ी फ्राई हो गई है, दूसरी तरफ से इसी तरह करते हैं। इसमें थोड़े से बाकी पूड़ियाँ भी डाल लेते हैं फ्राई करने के लिए। और एक देखिए, एक फ्राई हो गई है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। और इसी तरह करके हम सारी पूड़ियों को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने सारे खाने बना लिए हैं। और ये देखिए, हमने कढ़ी बनाई हुई है, कढ़ी पकौड़ी। ये मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई हुई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं इसकी रेसिपी आपको दे दूंगी।
और मैंने ये चावल बनाया हुआ है, ये देखिए ये सादा चावल है। और यहाँ मैंने ये पकौड़ी बनाई हुई है जो मैंने आपको फ्राई करते हुए दिखाई है, और ये मीठी पकौड़ी बनाई है, मैंने इसको भी आपको फ्राई करते हुए दिखा दिया है। और ये बाड़े की रेसिपी, तो मैंने बाड़े की रेसिपी आपको दी है, और ये हमने पूरी फ्राई की है वो भी आपको दिखा दिया है। हमने जो भी सारे खाने को एक थाली में निकाल के उसे अपने पितरों के लिए निकालूंगी और उन्हें चढ़ाने के लिए, तो चलिए हम निकाल के चढ़ाना शुरू करते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने सारे खाने बना लिए हैं, हमने ये पूरी बनाई हुई है, मेरे पनीर है, मटर पनीर की सब्जी है, ये कढ़ी है, और हमने पकौड़ी बनाई है। ये बाड़ा की रेसिपी हमने आप लोगों को दी ही है, और ये मीठी पकौड़ी है, और ये चावल है। ये सारे हमने जो है खाने बनाए हुए हैं अपने पितरों के लिए, और इसमें से आप लोगों की जो भी रेसिपी चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं वो रेसिपी आप लोगों को दूंगी। और कढ़ी की तो मैंने दे ही दी है। तो फिर फ्रेंड्स अगली वीडियो लेके हाजिर होते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय।